जय हिंद। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज से हम पढ़ने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, और दो तीन चीज़ों पे अपने को बात करनी है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर दो हाउसेज होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हाउसेज होते हैं। और ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों के कंपोजिशन पे भी आज अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। देखो, सबसे पहले तो बेसिक बातचीत। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल बॉडी है वो कौन है? पार्लियामेंट। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट लेजिस्लेचर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सिक्स में आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक में बात की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के कंपोजिशन के बारे में, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, इनमें ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, प्रिविलेजेस क्या हैं, पावर्स क्या हैं। और यही सारी चीज़ें पढ़नी है अपने को इस चैप्टर में। कौन से पार्ट में बात की गई है? पार्ट सिक्स में आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसका एक सेंस तो ये है कि हर एक स्टेट की अपनी अलग पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स वगैरह का वेरिएशन है। दूसरा, जब स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हमारे यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम चलते हैं। एक चलता है यूनिकैमरल सिस्टम। टोटल 28 स्टेट्स हैं, उनमें से 22 स्टेट्स में है यूनिकैमरल सिस्टम और 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे चलता है बाईकैमरल सिस्टम। यूनिकैमरल सिस्टम का मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और बाईकैमरल सिस्टम का मतलब ऐसे स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे सिर्फ 6 ही स्टेट्स हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और ये 6 स्टेट्स के नाम याद रहेंगे तो ठीक रहेगा। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है या बाईकैमरल सिस्टम है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, लेकिन अपने को पता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 2019 में, और इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। और इसके चलते जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो खत्म हो गई, वो अबॉलिश हो गई, और आज की डेट में सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिनमें बाईकैमरल सिस्टम चलता है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहां पे लोग डायरेक्टली वोट डाल के अपने एमएलएस को चुन के भेजते हैं। मतलब अगर सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली लगभग लोकसभा की जैसी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की जैसी है। लेकिन अपने को ये पता है कि हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में। तो अपन पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है या कैसे अबॉलिश किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स दे रखें। जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट लेकर आई तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010। बेसिकली तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने बोला पार्लियामेंट को कि प्लीज़ हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर दो। पार्लियामेंट तैयार था क्रिएट करने के लिए, लेकिन फिर 2011 में दोबारा से तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए, इसको अबॉलिश करो, ख़त्म करो। तो 2010 के थ्रू तमिलनाडु में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जानी थी वो कभी भी क्रिएट हो ही नहीं पाई, और आज की डेट में भी तमिलनाडु में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। वैसे ही सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया गया, जिसके थ्रू मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात की गई, लेकिन इसको कभी नोटिफाई ही नहीं किया गया। तो आज के डेट में मध्य प्रदेश में भी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। और आंध्र प्रदेश का केस भी बड़ा यूनिक है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 1957 में, लेकिन इसको अबॉलिश कर दिया गया, और अबॉलिश किया गया 1985 में। लेकिन फिर दोबारा से आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 लाया गया, और इस 2005 के एक्ट के थ्रू आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर से बनाई गई 2007 में। और आज के डेट में अपने को पता है
कि आंध्र प्रदेश उन 6 स्टेट्स का हिस्सा है जहां पे दोनों हाउसेस बाइकैमरल सिस्टम चलता है। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और ये 6 स्टेट्स के नाम ही इस पूरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें तो बेसिक हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम है। यूनिकैमरल सिस्टम वाले जो स्टेट्स हैं, 22 स्टेट्स, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें एक तो गवर्नर है और दूसरा सिर्फ एक हाउस है जिसे अपन बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा भी बोला जाता है, जिसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, जिसको फर्स्ट चैम्बर भी बुलाया जा सकता है, जिसको पॉपुलर चैम्बर भी बुलाया जा सकता है। मतलब यूनिकैमरल सिस्टम मतलब सिर्फ एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। और 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे बाइकैमरल सिस्टम है। बाइकैमरल सिस्टम का मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर है और गवर्नर के साथ साथ 2 हाउस हैं, एक तो वही लेजिस्लेटिव असेंबली है और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद बोलते हैं, जिसको अपर हाउस बोल सकते हैं, जिसको सेकेंड चेंबर बोल सकते हैं या जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोल सकते हैं। अगर इसी चीज को सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर किया जाए तो गवर्नर की जगह पर आ जाते हैं वहां पे प्रेसिडेंट, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह पे होती है वहां पे राज्यसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह पे होती है वहां पे लोकसभा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विच मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसा पंगा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में होगा जो बता रहा होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां हो सकती है और कहां नहीं हो सकती है। और उससे डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169। और आर्टिकल 169 बड़ा सिंपली ये कहता है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या अबॉलिशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टेट है जहां पे ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको अबॉलिश भी किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन भी किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 169 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 169 प्रोवाइड्स फॉर अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। कौन करेगा ये? ये करता है पार्लियामेंट। मतलब किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या फिर अबॉलिशन कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी इच्छा से नहीं करता है। प्रोसीजर है पूरा। प्रोसीजर क्या है कि जो भी कंसर्न्ड स्टेट है, मतलब जिस स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या अबॉलिशन करवाना है, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है, और ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए, और साथ ही साथ जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब होती है स्पेशल मेजॉरिटी। होपफुली ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अपन ने पूरा एक अलग से सेशन बनाया हुआ है जहां पे सब तरीके की मेजॉरिटी की बात की गई है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, सिंपल मेजॉरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, विद एग्जांपल पूरा ढंग से बात की हुई है। एक बार वो सेशन देख लो, सब कुछ समझ में आएगा, डिटेल में बताया हुआ है। बट हाँ, अपन ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 169 ये कहता है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जा सकता है या अबॉलिश किया जा सकता है। ये कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, लेकिन पार्लियामेंट अपनी इच्छा से नहीं करेगा, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि कंसर्न्ड स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करेगी, और रेजोल्यूशन पास किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में। फॉर एग्जाम्पल यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म किया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में, और बोलेगी कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दो। और ये रेजोल्यूशन जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देगी तो इसको भेज दिया जाएगा पार्लियामेंट के पास में, और पार्लियामेंट को इस रेजोल्यूशन को ओके करना है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। और सिंपल मेजॉरिटी के साथ में ओके करना है, उसका एक मतलब यह भी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या अबॉलिशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि अगर अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसके लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन या अबॉलिशन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, यह काम हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो कौन सा आर्टिकल कह रहा है कि स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 169। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी इच्छा से नहीं करेगा।
पार्लियामेंट कब करेगा? जब कंसर्न्ड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करेगी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इसको पास किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में, बट पार्लियामेंट इसके साथ में अग्री करेगा विद अ सिंपल मेजॉरिटी। मतलब पार्लियामेंट के लेवल पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, स्टेट के लेवल पर चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, आर्टिकल 169। इसके बाद बातें आती है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, और ज्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन क्या है? अच्छा, अगर सेंटर से कंपेयर करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल वैसे है जैसे सेंटर में लोकसभा है, और लोकसभा में लोगों को डायरेक्टली वोट डाल के चुना जाता है, MPs को डायरेक्टली वोट डाल के चुनती है देश की जनता। वैसे ही जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बारी आती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए स्टेट के जो भी लोग हैं वो डायरेक्टली वोट डालते हैं, और डायरेक्टली वोट डाल के अपने MLAs को इलेक्ट करते हैं, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। बेसिकली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अच्छा, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये बताया है कि मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 500। मतलब 60 से लेके 500 के बीच में कितनी भी सीट्स हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होंगी एग्जैक्टली वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। दो चीज़ें, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी लोग चुन के आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुन के आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक स्टेट के लिए कितनी सीट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में वो नहीं बताया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट बता दी है कि मिनिमम 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 500। एग्जैक्टली कितनी होंगी वो डिसाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इन तीन स्टेट्स में जो मिनिमम नंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो कितना फिक्स किया गया है, 30। और उसका रीज़न है, छोटे स्टेट्स हैं, उतना पॉपुलेशन ही नहीं है, इसलिए इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मिनिमम नंबर है वो कितना कर दिया गया, 30। वैसे ही मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मिनिमम नंबर है वो कितना है, 40, और नागालैंड की के लिए मिनिमम नंबर कितना है, 46। तो ये ध्यान रखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरल तो ये कहता है कि मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 500, लेकिन अरुणाचल प्रदेश छोटा सा स्टेट, सिक्किम छोटा स्टेट, गोवा छोटा स्टेट, यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है वो कितना है, 30 है। मिजोरम में मिनिमम नंबर कितना है, 40 है। नागालैंड में मिनिमम नंबर कितना है, 46 है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिक्किम और नागालैंड दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो कुछ मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। अपन ने पहली लाइन लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पढ़ी कि इनके जो MLAs हैं या इनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता डायरेक्टली वोट डालती है और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनको चुना जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है, सिक्किम और नागालैंड दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। उसका रीज़न है, सिक्किम और नागालैंड में ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, और इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ सीट्स ऐसी रखी गई हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती हैं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताई हुई, कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर बता दिया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये बहुत छोटे स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनका जो मिनिमम नंबर है वो भी कम किया गया है। और इम्पॉर्टेंट, नागालैंड और सिक्किम दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर्स जो हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स वगैरह को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि हमारी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें नॉमिनेटेड मेंबर भी हुआ करते थे। 2020 से पहले तक गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, अगर एंग्लो इंडियंस को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो। ऑरिजिनली इस प्रोविजन को डाला गया था 10 साल के लिए, लेकिन हर 10 साल के बाद इसको एक्सटेंड करते रहे, लेकिन अब फाइनली 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, और इस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस किया जाता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और ये इफेक्ट में आ गया है फ्रॉम 25 जनवरी 2020। मतलब अब गवर्नर जो हैं
वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए किसी भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करते हैं। ये लोकसभा वाला भी है, लोकसभा में भी एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, अब उनको भी नॉमिनेट नहीं किया जाता। सेम यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, अपने को याद होना चाहिए। अच्छा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाए, भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होना है, डायरेक्ट इलेक्शन होना है तो स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। वही लिखा हुआ है, फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट। मतलब मान लेते हैं ये कोई स्टेट है और स्टेट में ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनका डिवीजन कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका जो रेशियो है वो थ्रू आउट द स्टेट सेम रहना चाहिए। या सस्ती लैंग्वेज में अगर बोल दें तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी पॉपुलेशन है और जितनी सीट्स मिली हैं उनका जो रेशियो है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पूरे स्टेट में लगभग सेम होना चाहिए। बेसिकली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीट नंबर ऑफ पीपल को जितना रिप्रेजेंट कर रही है वो सेम हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट, इसका ध्यान रखना है व्हाइल डीमार्केटिंग द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। एक चीज और बोली गई, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करने की जरूरत है दो लेवल्स पे, एक तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट को जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं, हर एक स्टेट की असेंबली को जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं उसको हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्ट किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन देखो, और अगर आपको लग रहा है कि 10 साल में पॉपुलेशन किसी स्टेट की बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो फिर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको भी बढ़ाओ, या अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो गई है 10 साल में सेंसस के बाद ही देखने को मिला तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं उनको घटाओ। क्योंकि अपन तो कह ही रहे ना कि एक सीट कितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो पहला तो ये कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट इसको हर एक सेंसस के बाद में रीएडजस्ट करो, और दूसरा डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्टेट है जो कि बहुत सारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, अब सेंसस हुआ और ये देखने को मिला कि 10 साल में ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं, लेकिन ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसकी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर गई है, बढ़ गई है, तो रीएडजस्टमेंट करो क्योंकि इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इसका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको भी बढ़ाओ ताकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहे। तो दो लेवल्स पर रीएडजस्टमेंट करने की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सेंसस के बाद, एक तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट और दूसरा डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये जिम्मेदारी दी गई पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट लेकर आया डीलिमिटेशन कमीशंस एक्ट, 1952 में लाया, 1962 में लाया, 1972 में लाया, फिर 2002 में लाया। अपन ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में, सेम लगभग वही बातचीत है। लेकिन 1952 में लाया गया, 1951 में सेंसिस आया, डीलिमिटेशन किया गया 1952 में, 1961 में सेंसिस आया, डीलिमिटेशन किया गया 1962 में, 1971 में सेंसिस आया, डीलिमिटेशन किया गया 1972 में, सेंसिस तो 1981 में भी आया, सेंसिस तो 1991 में भी आया, इन दोनों साल के बाद डीलिमिटेशन क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? उसका रीज़न है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया, और उसके थ्रू ये कहा गया कि ये जो दोनों चीज़ें हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसको फ्रीज किया जाता है टिल 2000 एट 1971 लेवल, कि 1971 के सेंसिस में जो भी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से जिस स्टेट की असेंबली को जितनी सीट्स मिल गई और जिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितनी सीट मिल गई वो वैसे ही रहेगा साल 2000 तक। और ये क्यों किया गया, अपन ने सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ढंग से बात की थी, क्योंकि ये वो दौर है जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कह रही है कि पॉपुलेशन को लिमिट करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। लेकिन इसमें बड़ी आयरनी है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुने और अपनी पॉपुलेशन को कम करे या लिमिट करे तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को मिल रही हैं वो भी कम करनी पड़ेंगी हर एक सेंसस के बाद। और अगर कोई ऐसा स्टेट है जो कि सेंटर की बात को अनसुना कर दे और पॉपुलेशन को खूब बढ़ाए तो
ये रीएडजस्टमेंट के प्रिंसिपल के तहत क्या होगा, उसकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब तो कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि भाई हमारी पॉपुलेशन कम हो, क्योंकि एक तो सरकार की बात सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पॉपुलेशन को कम करो और फिर घाटा और झेलो, पॉलिटिकल लेवल पे सीट्स और कम करवाओ, ऐसा कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो ऐसा ना हो, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स को सीरियसली लें, उसके लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कह दिया गया कि भाई साहब आपके पॉलिटिकल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, आपको कम करने के लिए काम करना चाहिए। हमने सीधे सीधे कह दिया कि जब भी सीट्स की बात होगी तो 1971 के लेवल की पॉपुलेशन को ध्यान रखा जाएगा साल 2000 तक। फिर जब 2000 आ गया तो फिर यही सवाल खड़ा हुआ, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कम करी, अब वो तो रोने लगे कि यार हमने तो आपकी बात सुनी थी, सेंटर की बात सुनी थी, और उसके बावजूद हमारी सीट्स कम हो जाएंगी, घाटा हो जाएगा हमें। ऐसे जो स्टेट्स जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी आपकी, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन खूब बढ़ाई, उनको आप और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा के दे दोगे, उनको तो फायदा हो जाएगा। तो फिर सरकार लेकर आया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, और इसके थ्रू ये जो फ्रीजिंग है सीट्स का, इसको एक्सटेंड कर दिया गया अगले 25 साल तक के लिए, टिल 2026, मतलब साल 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया। बट इट ऑल्सो एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस पॉपुलेशन। इस 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने यह कहा कि एक स्टेट में जो असेंबली की सीट्स का नंबर है उसको तो फिक्स रहने दो 2026 तक, लेकिन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विद इन द स्टेट्स जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें जो डिवीजन है वो किया जा सकता है, और वो किया जाएगा 1991 के सेंसस की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। फिर लाया गया 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, और उसने बड़ा सिंपली ये कहा कि देखो हाँ, जो ईच स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो फ्रोजन ही रहेंगी 2026 तक, लेकिन ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन है इसको 1991 के सेंसस के हिसाब से मत करो, इसको करो तुम 2001 के सेंसस या 2001 में सेंसस की जो पॉपुलेशन रही है उसके हिसाब से। मतलब बेसिकली आज तक वही नंबर ऑफ सीट्स हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से थी, और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन है वो किसके बेसिस पे है, 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से। ये होपफुली समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन भी होता है, और रिजर्वेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से सीट्स को रिजर्व किया जाता है। ओरिजिनली ये कहा गया था कि ये जो रिजर्वेशन है 10 साल के लिए होगा, लेकिन फिर हर 10 साल के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया, और अब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ये जो SC और ST के लिए रिजर्वेशन है सीट्स का लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट गवर्नमेंट्स की में, वो अब 2030 तक है, मतलब 2030 तक ये कह दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के थ्रू कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, आपने को ये पता है कि कोई भी SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला इंसान अगर चाहे तो जनरल सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सीट ऐसी है जो कि रिजर्व्ड है SC ST के लिए, तो उस पर सिर्फ चुनाव कौन लड़ सकता है, SC या ST कम्युनिटी का इंसान ही लड़ सकता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन हो गया, बड़ा सिंपल है। इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ 6 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर सेंटर से कंपेयर किया जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके बारे में अभी अपन पढ़ रहे थे वो लगभग वैसी है जैसी कि लोकसभा होती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल लगभग वैसी है जैसी कि सेंटर में राज्यसभा होती है। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? एक बात तो ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। काउंसिल के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट करने के लिए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड यूज किया जाता है। ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, ये क्या होता है? होपफुली ये आपको पता होगा, अपन ने खूब ढंग से बात की हुई है, कई बार बात की हुई है। अगर फिर भी याद नहीं है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाले सेशन में बहुत ढंग से अपन ने इसके बारे में बात की थी, एक बार वो सेशन देखो, समझ में आएगा। बेसिक, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनमें जो भी मेंबर्स होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अच्छा, किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40, मतलब 40 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, मतलब उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है उसका 1/3। जैसे उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली में है 403 मेंबर्स,
तो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 1/3 of 403। एक्चुअली में यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में आज के डेट में होते हैं 100 मेंबर्स, लेकिन कितने हो सकते हैं? 1/3 of 403, जो लगभग आएगा 134 के आसपास या 32 जो भी है, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर है, मतलब कम से कम 40 मेंबर्स और ज्यादा से ज्यादा 1/3 of the total strength ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो उतनी सीट्स वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकती हैं। अच्छा, ये 1/3 of the total strength ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्यों रखी गई, लिमिट क्यों लगाई गई? ताकि टू एंश्योर प्रेडोमिनेंस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस इन द लेजिस्लेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट। भाई मेन तो हाउस कौन सा है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। लोग डायरेक्टली चुन के कहाँ भेज रहे हैं लोगों को? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये एंश्योर करने के लिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली का दबदबा रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली की बातचीत सुनी जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेडोमिनेंस रहे, उसके लिए ये ध्यान रखा गया कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको कुछ इस तरीके से किया गया कि कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा सीट्स हो ही ना पाए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही कर दी ना कि 1/3 of the total strength of द असेंबली होनी चाहिए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट, बट द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम स्ट्रेंथ बता दिया 40, मैक्सिमम बता दिया कि 1/3 of the total strength ऑफ द असेंबली होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में काउंसिल में कितनी सीट होंगी वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट। अच्छा, ये जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जा रहे हैं काउंसिल के मेंबर्स, ये इलेक्ट कैसे किए जा रहे हैं? टोटल मेंबर्स हैं, उन टोटल मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजा जाता है उस स्टेट की लोकल बॉडीज के मेंबर्स के द्वारा। जैसे म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, मतलब स्टेट में जो भी लोकल बॉडीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं 1/3 मेंबर्स को। 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं उस स्टेट के ग्रेजुएट्स, ऐसे ग्रेजुएट्स जो 3 साल हो गए ग्रेजुएट हुए और उस स्टेट में रहते हैं, ऐसे ग्रेजुएट्स जो हैं उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं उस स्टेट के टीचर्स, ऐसे टीचर्स जिनको कम से कम 3 साल हो गए एज अ टीचर काम करते हुए उस स्टेट में, और सेकेंडरी लेवल से नीचे के टीचर्स नहीं है, मतलब कम से कम 9th-10th के टीचर्स होने चाहिए। 1/3 मेंबर्स को कौन इलेक्ट कर रहे हैं? उस स्टेट के लोकल बॉडीज के मेंबर। 1/12 को कौन कर रहे हैं? उस स्टेट्स के ग्रेजुएट्स। और बाकी के 1/12 को कौन कर रहे हैं? उस स्टेट के टीचर्स। और बचे कुचे 1/3 मेंबर्स को कौन इलेक्ट कर रहे हैं? उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स खुद में से इलेक्ट नहीं करेंगे, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर जो स्टेट के लोग हैं उनमें से किसी को इलेक्ट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, कितनों को? 1/3 को। मतलब ये टोटल हो गया 5/6, मतलब अगर टोटल 1 है तो 5/6 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें से 1/3 को इलेक्ट करते हैं उस स्टेट के लोकल बॉडीज के मेंबर्स, 1/12 को इलेक्ट करते हैं उस स्टेट के ग्रेजुएट्स, 1/12 को इलेक्ट करते हैं उस स्टेट के टीचर्स, और 1/3 को इलेक्ट करते हैं उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। और जो बचे कुचे 1/6 हैं उन 1/6 को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ऐसे लोग जिनको स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर में, जिनको स्पेशल नॉलेज है साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में या सोशल सर्विस में, जिन लोगों ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। मतलब टोटल अगर मेंबर्स हैं 1 तो उसमें से 5/6 को तो इलेक्ट किया जा रहा है और 1/6 को जो है नॉमिनेट किया जा रहा है। नॉमिनेट कौन कर रहे हैं? गवर्नर कर रहे हैं। और इलेक्ट कौन कर रहे हैं? 1/3 को इलेक्ट कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल बॉडीज के मेंबर्स, 1/12 को इलेक्ट कर रहे हैं उस स्टेट के जो ग्रेजुएट्स हैं वो, और 1/12 को इलेक्ट कर रहे हैं उस स्टेट के जो टीचर्स हैं वो, और 1/3 जो बचा कुचा है उसको इलेक्ट कर रहे हैं उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। और ये जो है ये कंपोजिशन होता है किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट ये भी रही थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लोग ये आर्ग्यू कर रहे थे कि यार ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर से इसका फालतू का कॉस्ट आएगा, ऊपर से लेजिस्लेटिव असेंबली के रास्ते में बाधा बनेगा, जो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है स्टेट गवर्नमेंट की उसको डिले करेगा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, बनाने की ज़रूरत क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली बना दो। तो फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि भैया हम स्टेट को ही जिम्मेदारी दे देते हैं, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत है और स्टेट इतना समृद्ध है कि हाँ जो फाइनेंशियल कॉस्ट आएगी उसको झेल सकता है,
तो स्टेट जो है वो बना लेगा, अगर स्टेट को लगेगा कि ज़रूरत नहीं है तो अबॉलिश करवा लेगा। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी अपन ने बात किया आर्टिकल 169 के बारे में, अपन पढ़ के ही आए। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।